गाइस, आम की चटनी के लिए ये एक कच्चा आम लिया मैंने, छोटा मतलब मीडियम साइज का था, और ऐसे काट लिया पीसीस में, बीच में गुठली होती है वो निकाल दी। देन ये टमाटर, छोटे साइज का टमाटर, इतना सा पीस जिंजर का, और ये दो लहसुन की कलियां हैं, और एक छोटा प्याज। देन ये है कोकोनट पाउडर, आई मीन डेसिकेटेड कोकोनट ग्राइंड किया हुआ, मार्केट से लिया है मैंने। ये भी एक कड़छी के करीब डाल दूंगी मैं। ये सारा मैंने एक ब्लेंडर में डाल दिया है, न्यूट्री ब्लेंड का ब्लेंडर है मेरा। इसमें डाल के अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। देन लाल मिर्ची, आप चाहे तो हरी मिर्चें डालें, मेरे पास अभी है नहीं और मैं लाल मिर्चों से भी काम चला लेती हूँ। और आप इसमें डालें चाट मसाला, अभी डाल रही हूँ जीरा, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और जितने भी मसाले आपको यूज़ करने हैं कर सकते हैं। जीरा डाल दिया मैंने, लाल मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, बस अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी और बन जाएगी क्विक चटनी। अब मेरे को जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है और अब इसको कर रही हूँ ब्लेंड। ये देखिए क्विक चटनी, 5 मिनट रेसिपी है, ये बनके तैयार होगी आम की क्विक चटनी। अब आप इसको टेस्ट कर लें और नमक वगैरह एडजस्ट कर लें, बहुत ही यमी बनती है। मैंने अभी टेस्ट करके देखी, बहुत यमी है। ये तैयार है क्विक 5 मिनट रेसिपी ऑफ आम की चटनी। आप भी इस तरह से आम की चटनी बनाइए, सर्व कीजिए इसे इवनिंग स्नैक्स के साथ, जैसे कि कटलेट्स, टिक्कियाँ, पकौड़े, वट एवर यू लाइक। और खाने के साथ तो ये स्वाद लाती ही है, लंच में यूज़ करें, डिनर में यूज़ करें, कैसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको गार्निश करें पुदीने की पत्ती के साथ या फिर धनिया पत्ती के साथ, और किसी भी पार्टी में आप वाह वाह लूट सकते हैं इस अमेजिंग रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इस तरह की हर एक नई वीडियो की सबसे पहले। चलिए, बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।